छाता की रहने वाली गौरी पुत्री सतीश के भारत वापस आने पर परिवारजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और अपने घर पर बेटी गौरी का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। छाता की रहने वाली बेटी आज सकुशल अपने वतन पहुंच गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत में छात्रा गौरी ने बताया कि वह MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन की शहर पोलतावा में मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में गई थी। गौरी के अनुसार जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वह काफी डर गई थी, परंतु उन्हें भारतीय सरकार पर पूरा भरोसा था। गौरी ने बताया कि वह 14 दिसंबर 2020 को भारत से यूक्रेन गई थी। अभी उसकी पढ़ाई का सिर्फ एक साल ही हो पाया था। गौरी ने बताया कि उसने पोलतावा से हंगरी के लिए तथा हंगरी से बुडापेस्ट होते हुए भारत आना हुआ और वह आज रात 1:30 बजे के करीब अपने घर छाता पर पहुंची। भारतीय विमान द्वारा छात्रों को सकुशल भारत लाया गया। गौरी की मां सरस्वती ने खुशी जाहिर करते हुए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं गौरी से मिलने के लिए आने वालों का तांता लगा रहा। गौरी के दादा दादी, नाना नानी, पिताजी, दोस्तों सहित सभी पड़ोसियों ने जोरदार स्वागत किया। उसी दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्टों को लेकर छात्रा गौरी ने बताया कि जो भारत सरकार के बारे में भ्रामक वीडियो डाली जा रही है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बल्कि और देशों के छात्रों को उनकी सरकार द्वारा कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई है। वह सभी छात्र अपने अपने खर्चे से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। हमें गर्व है, भारत सरकार द्वारा उन्हें पूरी मदद मिली और सुरक्षा मुहैया कराई गई। इंडिया वापस आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सेफ फील कर रही हूँ मैं वहाँ पे। जैसा एज यू नो कि कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी वहाँ पे, वॉर हो रहा था, लेकिन हाँ जहाँ मैं रहती थी वहाँ की कंडीशन अभी काफ़ी सेफ थी, तो इतना डर नहीं था, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता था। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम निकले वहाँ से। यहाँ आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा हेल्प की, बॉर्डर क्रॉस करवाया, वहाँ पे हॉस्टल्स, खाना सब कुछ प्रोवाइड करवाया, फ्लाइट्स फ्री कराई गई, और एयरपोर्ट आने के बाद भी कैब से यहाँ तक का अरेंजमेंट उन्होंने कराया और सेफली हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड आवर रेस्पेक्टेड मोदी जी। मैं यहाँ से जाने के बाद पोलतावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, और वहाँ पे मैंने सेकंड ईयर में थी वहाँ पे मैं। तो देखिए, वहाँ से यूक्रेन से बॉर्डर तक बच्चों को निकलना पड़ रहा है, खुद अपने रिस्क पे निकल रहे हैं वो लोग, लेकिन बॉर्डर से बॉर्डर खुलवाए हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, और बॉर्डर से एयरपोर्ट तक का, हॉस्टल तक का, खाने पीने का, अदर कंट्रीज़ में उन्होंने इतना सब किया है, फ़्लाइट्स अरेंज कराई गई। अगर फ़्लाइट्स नहीं अरेंज कराती तो बहुत प्रॉब्लम होती बच्चों को, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया, काफ़ी कुछ किया है उन्होंने बच्चों के लिए। बच्चे सेफली घर पहुँचाए हैं, एयरपोर्ट से इतनी इतनी दूर दूर तक के बच्चे हैं, सबको घर पर पहुँचाया गया है।